अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्केचअप के वॉक अराउंड टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो स्केचअप ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि वॉक अराउंड और नेविगेशन टूल का डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस इतना ख़ास नहीं है। नेविगेशन टूल और वॉक अराउंड टूल सेम ही वर्क करते हैं, बट इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी चेंज है। जैसे वॉक अराउंड टूल में पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ और फिर मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है और कौन सा टूल ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो वॉक कैमरा में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, पोजीशन कैमरा, वॉक और लुक अराउंड। हम क्या करते हैं, पोजीशन कैमरा में हम किसी भी जगह पर उसकी पोजीशन सेट कर देते हैं और वो होती है हमारी कैमरा की पोजीशन, और फिर वो हमारा कैमरा जो होता है हमें उस हिसाब से चीज़ें दिखा रहा होता है। तो पहले हम पोजीशन कैमरा कर देते हैं, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पे पोजीशन करनी है। अब हम कर देते हैं ये डोर के सामने, यहाँ पर हम इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं। जैसे ही हमने इसकी पोजीशन सेट की है तो कैमरा मूव करके वहाँ पे आ गया है। ये हमारे सामने एक आंख बनी हुई आ रही है। तो इस ये टूल है लुक अराउंड। अगर हम माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसको राइट और लेफ़्ट अप डाउन कहीं भी देखेंगे तो ये हमें वो व्यू दिखाएगा। दूसरे अल्फाज में ऐसा है कि आप लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि वो 5 फुट 6 इंच जो है हाइट, वहाँ पर हमने पोजीशन सेट की है और ये हमारे सामने आंख बनी हुई है, मतलब हम खुद इसे देख रहे हैं, राइट लेफ़्ट अप डाउन खुद देख रहे हैं। तो दो टूल हमारे कवर हो गए। और अब रहता है वॉक। वॉक से क्या होगा कि अब हमने अगर इस 3D मॉडल के अंदर जाना है तो सिंपल हमने माउस से लेफ़्ट क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं कि कैमरा अंदर की तरफ मूव कर रहा है। बेसिकली हम इसमें वॉक कर रहे हैं। चलिए जी, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये टूल इस्तेमाल क्यों होता है। चलिए जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेविगेशन टूल और वॉक अराउंड टूल का फ़र्क क्या है। इनमें से जो बेहतर है वो नेविगेशन टूल ही बेहतर है, क्योंकि आप जब आप 3D मॉडलिंग करें तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त आप उस पर काम कर सकते हैं। बट जब आप आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको वॉक राउंड टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। जब आप इसके वॉक राउंड देखेंगे, जब आप इसकी वॉक थ्रूज बना रहे होंगे, जब आप किसी मॉडल को अंदर से देख रहे होंगे और जब आपको रियलिस्टिक इमेज लेने होंगे आर्किटेक्चरल वर्क के अंदर, तो उस टाइम पे आपको वॉक राउंड टूल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप कि आपको वॉक राउंड टूल और नेविगेशन टूल दोनों का अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।